दोस्तों, हमारा शरीर वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये पांच तत्वों से बना है। हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने और अस्तित्व को टिकाने के लिए हवा, पानी, भोजन, पर्याप्त धूप और पृथ्वी से चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक बल, ये पांच बुनियादी जरूरियात है। शरीर को आवश्यक ये पांचों एनर्जी की बात करें तो सनलाइट के बिना हम लंबे दिनों तक जी सकते हैं, खुराक के बिना कई दिनों तक, पानी के बिना थोड़े कुछ दिनों तक, हवा के बिना शायद 3-4 मिनट या योग के अनुभवी कुछ और ज़्यादा मिनट, लेकिन मैग्नेट के बिना कुछ सेकंड ही हम जी सकेंगे। फिर भी हमें उसकी परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुदरत ने हमको गर्भावस्था से लेकर हमारी मौत तक मुफ्त में दिया है। उसमें से किसी एक तत्व की मात्रा बढ़ने या घटने से हमारा शरीर असंतुलित होकर उसमें बीमारी आती है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो शरीर में ज़्यादातर ये बीमारियाँ रक्त के धीमे प्रवाह और उसमें ऑक्सीजन की थोड़ी कमी के कारण होती है या बढ़ती है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी या धीमे रक्त प्रवाह के लिए आयरन की निष्क्रियता जवाबदार है। ये आयरन क्या है? हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में गतिशील लौह तत्व को आयरन कहते हैं। आयरन के निष्क्रियता के लिए पृथ्वी का चुंबकीय बल जिम्मेदार होता है। पृथ्वी के कम चुंबकीय बल के लिए हम जिम्मेदार हैं। खास तौर पर ये साइकिल हम को समझ लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित सुतरिया। जो लोग गांव में मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के जमीनी लेवल के खुले घरों में रहते हैं, उन्हें सूर्य की रोशनी के साथ पृथ्वी चुंबकीय तत्व अधिक मिलता है। उसके अलावा हवा, पानी और भोजन की शुद्धता भी मिलती है। लेकिन वही आरसीसी के जंगल वाले शहरों में हवा, पानी, भोजन के साथ लाइफस्टाइल भी बदल चुकी है। बंद मकानों में रहकर काम करने की जो आदमी की आदत हो चुकी है, उसमें सूर्य की रोशनी सहित शरीर की सक्रियता में कमी आ रही है। खास तौर पर रक्त में मौजूद आयरन इसमें बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आयरन हमारे रक्त में ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखकर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से रक्त का संचार करता है। इसलिए रक्त में आयरन को एक्टिव रहने का बहुत जरूरी है, और इस आयरन को एक्टिव रखने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय यानी मैग्नेटिक बल की जरूरत होती है। और हमें ये मैग्नेटिक बल कैसे मिलता है ये समझने से पहले हमारे शरीर में ऑक्सीजन और पानी के साथ आयरन की वैल्यू जो शरीर में है वो भी समझ लेनी चाहिए। जब तक हमारे रक्त में ठीक मात्रा में ऑक्सीजन है तब तक सब कुछ ठीक चलता है। प्रत्येक 100% रक्त में 20% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन कम होती है तो हमारे शरीर के सभी 78 ऑर्गन जो है वो सब और केशिका वो सब ऑक्सीजन कम मिलने पर उसके चलते हमारी रक्त केशिकाओं कमज़ोर हो जाती है। फिर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तब जाके बाहरी वायरस हमारे शरीर पर हमला करते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, और उस वक्त हमारी कमज़ोर रक्त केशिकाओं बाहरी रोग जनकों के सामने लड़ती है, मगर उसके अंदर ऊर्जा कम है तो उसके कारण शत्रु से वो पूरी तरह नहीं लड़ पाती है। यही से शरीर में एक से लेकर कई बीमारियां की नींव बनकर एक गहरी नींव बन जाती है। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए रक्त में ऑक्सीजन के जरूरी लेवल के साथ पूरे शरीर में रक्त की जरूरी गतिशीलता भी जरूरी होती है, और ये गतिशीलता के लिए ब्लड में आयरन यानी लोहा उसके सक्रिय होने का बहुत आवश्यक रहता है। और ये लोहे को गतिशील करने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में 70% भाग पानी का है, और झरनों, तालाबों, कुओं जैसे चुंबकीय क्षेत्र वाला पेय पानी चुंबकीय चार्ज लेने वाला अनुचुंबकीय होता है। नेचुरल जो चुंबकीय है वो पानी में छोटे अणुकण के साथ 90% ऑक्सीजन होती है, इसलिए ये आसानी से हमारे शरीर में पचते हैं। यदि हम स्वच्छ पानी, स्वच्छ ये हवा, स्वच्छ भोजन और अच्छी नींद
उसके साथ मिट्टी से जुड़कर अच्छी आदतें जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का पालन करें तो हम एक स्वस्थ लंबा जीवन जी सकते हैं। मगर आज चुंबकीय क्षेत्र वाला पानी मशीनों और पाइपों के माध्यम से घर तक पहुंचकर आरसीसी टैंकों में स्टोरेज होने पर अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है। ये स्टोरेज पानी की कण रचना जो देखे तो बड़े आकार की भारी हो जाती है। भारी पानी के बड़े अणु हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा शरीर पानी के बड़े कद के H2O अणु में से ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं कर पाता है, इसलिए शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी बनी रहती है। आगे देखें तो कॉरपोरेशन के पानी का तटस्थ पीएच 7 है, वो पचने में तो ठीक है, मगर ये पानी क्लोरीनेशन से एसिडिक हो चुका है। मतलब कि इस विशेष भारी आण्विक रचना वाला जो पानी है वो पीने से गंभीर बीमारियां हो सकती है। उसे पाच्य और पतला करने के बाद ही वो पीना चाहिए। हमारे रक्त में आयरन का जो हम देखें तो हमारा शरीर रक्त केशिकाओं से बना है और शरीर में रक्त वितरित करने के लिए रक्तवाहिकाएं होती है। इन रक्त नलिकाओं की कुल लंबाई लगभग 96,540 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चारों ओर ढाई चक्कर लगाने जितनी काफी लंबी है। ये नलिकाएं पूरी शरीर में अर्थात नाखून से लेकर सिर तक रक्त को बहाती है। हृदय से हृदय तक का ये एक चक्कर एक मिनट में वो पूरा करती है। इस रक्त में रक्त केशिकाएं होती है और ये रक्त केशिकाओं में आयरन होते हैं। हमारी रक्त केशिकाओं में मौजूद आयरन पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के प्रभाव से चुंबकीय और एक्टिव रहता है, जो फेफड़ों से लेकर फेफड़ों तक रक्त की साइकिल चलाता है। वो फेफड़ों की दीवार से ऑक्सीजन को रक्त में खींचकर धमनियों के माध्यम से हृदय तक ले जाता है। वहां से ये पोषक तत्वों से भरपूर शुद्ध रक्त को पूरे शरीर की केशिकाओं और सभी 78 जितने ऑर्गन जो है वो समित नखशिख पूरे शरीर में पहुंचाने का काम वो करती है। और वहां से शिराओं के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लाकर रक्त में से वो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ने का काम भी वही करते हैं। इस तरह वो ब्लड की फेफड़ों से फेफड़ों तक की एक साइकिल एक मिनट में पूरी करवा के श्वसन प्रणाली को काम करने में मदद करती है। आयरन श्वसन को नियंत्रित करने के साथ रक्त केशिकाओं को हीमोग्लोबिन बना नामक जो प्रोटीन है वो बनाने में भी मदद करती है। इस प्रकार चुंबकीय रूप से सक्रिय लोह रक्त में स्थित होने के कारण शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए रक्त को सक्रिय रखता है। संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी को ये संक्रमण की ओर प्रेरित भी करता है। रक्त की अधिक हानि को रोकने के लिए रक्त की मात्रा भी बढ़ाता है। शरीर के अपशिष्ट को जो लीवर और किडनी तक वो भी लाता है, जहां ब्लड अपने आप साफ होता है, और शरीर के चुंबकत्व को बनाए भी रखता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित भी करता है और ऐसे कई कार्यों में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो है आयरन की बात है। इस तरह शरीर के हर ऑर्गन्स और कोशिकाओं को शुद्ध रक्त मिलने से शरीर ठीक तरह से काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, हानिकारक रसायन, पसीना, यूरिन, मल, एसिड और विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार आयरन एंटीबॉडी प्रणाली को भी मजबूत बनाता है और आयरन को पृथ्वी को मैग्नेटिक बल एक्टिव रखता है। ये साइकिल है पूरी। हमारे शरीर में पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का जो आप देखें तो पृथ्वी के चुंबकीय बल के प्रभाव से ब्लड का आयरन कितना बड़ा एक्टिव है, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो देखे तो वो जापान है। जापानी प्लेट की नीचे का जो लावा है उसकी भूमि की सतह से सबसे करीब है। ये निकटवर्ती लावा के कारण वहाँ भूकंप अधिक आते हैं, इसलिए ये लोग आरसीसी की बहु मंजिले इमारतें छोड़कर जमीन लेवल पर लकड़ी के मकान में रहते हैं। ऐसी लाइफस्टाइल का जो फायदा ये होता है कि वो जमीनी लावा में अधिक चुंबकीय बल प्रदान करने वाला नियोडियम मौजूद होता है और वो नियोडियम से उच्च चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है और वो चुंबकीय क्षेत्र ब्लड के आयरन को अधिक एक्टिव रखता है।
आयरन का एक्टिव रहने से ब्लड की गति नेचुरली रहती है, फिर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता और ऑक्सीजन लेवल ठीक से बना रहता है। इसलिए जापानीज का आप देखें तो जीवन स्वस्थ रूप से लंबा चलता है। मगर हमारे यहाँ औद्योगिक शहरों के शहरीकरण बढ़ चुका है, बिगड़ता हुआ शहरी पर्यावरण और लोहे की अधिक फोर व्हील व्हीकल के साथ अधिकांश लोग आरसीसी की ऊंची इमारतों में रहते हैं और इसमें बड़ी मात्रा में लोहे का उपयोग हो रहा है, तो लोहा हमारी और आने वाली अधिकांश चुंबकीय तरंगों अपनी ओर खींच लेता है। उसके साथ ब्लड में आयरन की एक्टिवनेस का सवाल बढ़ने लगा है। यदि रक्त में आयरन की कमी हो या वो कम एक्टिव है तो वो रक्त में कम मात्रा में ऑक्सीजन खींच पाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी धीमा चलता है, फिर ब्लड सेल्स भी कमजोर होने लगते हैं। इस तरह धीमी गति वाले ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है एवं आप देखें तो हीमोग्लोबिन की कमी भी होती है, फिर तो छोटी बड़ी बीमारियां घर कर जाती है। आज आयरन की कमी या उसकी कम एक्टिवनेस से या विटामिन डी की कमी देखे तो 90% लोगों में देखने को मिलती है। अब आने वाली कई बीमारियों से बचने के लिए सनलाइट के साथ अगर शरीर को किसी तरह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र या समान आवृत्ति वाली चुंबकीय तरंगे मिले तो शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर हो सकता है। तो वो पृथ्वी से जो नेचुरल चुंबकीय जो की बात है वो क्या है, तो आप देखें हमारी जो पृथ्वी है ना वो 12,756.28 किलोमीटर व्यास वाला हमारा जो पृथ्वी का ग्रह है वो स्वयं एक चुंबक है। पृथ्वी का दो ध्रुव है, उत्तर और दक्षिण। पृथ्वी की सतह से भूमिगत गुहाओं में हम जाए तो 6,000 किलोमीटर निचले केंद्र से 6,000 डिग्री जितना वो गर्म सागर उबलता रहता है, उसके लावा में मैग्नेटिक नियोडियम होता है। साथ ही पृथ्वी 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की प्रति लगातार गति कर रही है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक एनर्जी उत्पन्न हो रही है। इसलिए हर चीज अपनी जगह पर स्थिर है और हमारे ब्लड में आयरन होने के कारण हमारा ब्लड अपनी तेज गति से घूमता रहता है। तो अब तक हम इतना समझ चुके हैं कि बॉडी को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को चलाने के लिए रक्त चाहिए, रक्त को चलाने के लिए आयरन चाहिए और आयरन को चलाने के लिए मैग्नेटिक बल चाहिए। लेकिन आज के खराब वातावरण और बदलती लाइफस्टाइल के कारण मानव शरीर को पृथ्वी क्षेत्र के कम प्रभावी चुंबकीय तरंगें मिल रही है या हमारा आयरन कम एक्टिव हो चुका है जिससे बीमारियां बढ़ रही है। अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपने कमरे में ही प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखना जरूरी हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर सागर जोशी जी ने प्राकृतिक मैग्नेटिक बल का आविष्कार किया है। उन्होंने जापानी मिट्टी की गहराई से नियोडियम निकालकर चुंबक बनाया है। प्राकृतिक होने के कारण इसका नाम ई बायोमेट्रिक मैग्नेट रखा गया है, जो पूर्णतः बायोमेडिकल उच्च शक्ति वाला प्राकृतिक चुंबक है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्री की सामग्रियों में भी किया जाता है। बायोमैग्नेट की मांग को पूरा करने के लिए डॉक्टर जोशी जी ने ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी हाई पावर्ड बायोमेडिकल बायोमेट्रिक मैग्नेट का उत्पादन कर रही है, जो सरल, सस्ते, मेंटेनेंस फ्री और टिकाऊ बायोमेट्रिक मैग्नेट डिवाइस है जो वर्षों तक काम करते हैं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट को समझने के लिए मेरा अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी ये यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, अगर ये बातें ठीक लगी तो उसे शेयर करें और दोस्तों उसे सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरा ये लाइफस्टाइल से जुड़ा वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।